दो मिनट में इतनी तेज बारिश आई ना। अभी फिलहाल बजे है 11 और अचानक से रात के 11 बजे है। हम लोग तो अभी ना वो कहते हैं ना एमर सोने की तैयारी कर रहे थे और मैं कर रही थी मेरा एडिटिंग का काम, तब भी सडनली दो मिनट में इतनी तेज बारिश आई ना कि बाहर देखे आवाज भी आ रही है बट सब लोग बाहर ही है। जोरों शोरों से बाहर बारिश हो रही है, पूरी स्ट्रीट में पानी पानी हो गया है और इतनी बारिश आ गई ना सडनली ही और सब लोग सरप्राइज हो गए। सब वो कहते हैं आजू बाजू में सब पड़ोसी रहते हैं ना, वो भी सब निकल गए बाहर कि बारिश आ रही है। एकदम से ठंडक हो गई और एकदम से अच्छा वाला मौसम हो गया। अब आई होप कि पूरी रात बारिश हो और वो गर्मी चली जाए, क्योंकि गर्मी से सब लोग परेशान है तो एकदम से हैप्पी हो गए। और बच्चे तो बोल रहे थे कि चलिए वो नहाते हैं बारिश में, बट सबकी मम्मी डांट रही थी कि इस बारिश में नहीं नहाना चाहिए। Good morning all. Have a wonderful day. हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे थोड़ा बहुत ब्लॉग को मैंने रात को ही स्टार्ट किया था क्योंकि अचानक से सडनली बहुत ज्यादा ही तेज बारिश होने वाली थी, हो गई थी। और अभी तक देखिए क्लाउडी वाला वेदर और नीचे जरा देखिए पानी ही है क्योंकि बहुत ज्यादा ही तेज पूरी रात बारिश आई थी। थोड़ी देर रुक गई थी फिर वापस से स्टार्ट हो गई थी। अर्ली मॉर्निंग को भी ढेर सारी बारिश आ रही थी, सो मुझे पहले जाना पड़ेगा टेरेस पे और पूरी क्लीन करनी पड़ेगी टेरेस को, क्योंकि टेरेस से जब पानी आता है ना तो पूरा वो गंदा गंदा पानी आ रहा था, तो अच्छी तरह से उसे वॉश करके क्लीन कर दूंगी ना तो फिर अच्छा पानी आएगा। वैसे वो ज्यादातर यूज तो नहीं करते हैं बट वो पूरा गंदा गंदा निकलता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और वो मिट्टी होती है ना तो मिट्टी की वजह से पूरा मिट्टी वाला ही पानी होता है, क्योंकि वहां पे गमले है तो उन सबको अच्छी तरह से सेट करना है और सब अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है। बट फाइनली थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना ठंडा मौसम हो गया है सो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अब कम गर्मी हो रही है। बट बारिश रुक भी गई है, 9 बजे से बारिश रुकी है, नहीं 10 बजे से रुकी है, अभी तक नहीं आ रही है। अभी 11 बजे है, 1 घंटा हो गया फिर वापस बारिश नहीं हुई है बट मौसम तो बारिश जैसा है। अभी चलते हैं टेरेस पे और पहले क्लाउड देखते हैं। चलिए तो अभी आ गई हूँ मैं टेरेस पे और देखिए क्लाउड तो इतने ज्यादा नहीं है, वो कहते हैं ना अलग अलग हो गए हैं और धूप जैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट पता नहीं बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कैसा मौसम हो गया है। और पानी का यहाँ पे पूरा का पूरा ये भर गया है तो ये मुझे वॉश करने में हेल्प करेगा और पूरी टेरेस को थोड़ी देर में पूरा चेंज करूंगी, बट साथ साथ में मुझे खाना भी बनाना है। चलिए पहले यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद ही जाऊंगी नीचे किचन में खाना बनाने के लिए। पर गमले बहुत अच्छे हो गए एकदम से क्लीन। सबसे पहले तो स्टोर रूम में से ना अच्छी तरह से क्लीन कर लिया मैंने, झाड़ू वाड़ू लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर झाड़ू लग गया ना तो फिर वो गीला गीला सब कुछ होता है तो यहाँ पे भी वो गुजराती में बोलते ना पगले पड़ेंगे। यहाँ पे क्लीन मैंने कर लिया है, अब मैं सारी की सारी बालकनी क्लीन करूंगी एंड देन उसके बाद सीधा टेरेस पे ये जो पुराने गमले हैं ना उन सबको फेंक देना है, वो सब फटाफट से कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी मिट्टी हो गया है, वहां पे कचरा जम गया है तो इन सबको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। काम करते करते अचानक से इतनी ज्यादा धूप बढ़ गई ना कि क्या बात बताऊं, एकदम से क्लाउड भी क्लियर और धूप भी देखे। और अभी भी मेरी टेरेस ना क्लीन करनी बाकी है बट मैंने ना बहुत सारे प्लांट्स वो कहते हैं ना नए ग्रो किए हैं, इसमें भी सब में छोटे 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 ग्रो कर दिए हैं। देखिए अब बस अच्छी तरह से टेरेस को ना वॉश करना है सो एक बार वॉश कर लेती हूँ ताकि यहाँ का भी काम फिनिश हो जाए। और बहुत सारे प्लांट्स मेरे यहाँ पे भी है बट यहाँ धूप नहीं आती ना तो ये अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा वॉश करने जैसा हो गया है सो ये भी वॉश कर लेती हूँ, बस अब वॉशिंग का काम रह गया है ना, उसके बाद किचन में जाके खाना बनाना है।
फाइनली टेरेस की क्लीनिंग हो गई है और सुबह तो इतनी ज्यादा बारिश थी और अचानक से अभी इतनी ज्यादा धूप हुई है। बादल तो है फिर भी धूप बहुत ज्यादा ही है, पता नहीं वापस से कब बारिश आएगी। जल्दी जल्दी से बारिश आए और वापस से वो कहते ना टेरेस अच्छी तरह से वो कुदरती पानी से वॉश हो जाए। मैंने तो वॉश कर दी है, अब कितनी अच्छी लग रही है, पहले कैसा लग रहा था और अब देखिए अच्छी तरह से क्लीन। चलिए अभी नीचे किचन में जाती हूँ और खाना बनाना है, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो गई। सबसे पहले तो फ्रेश होती हूँ उसके बाद खाना बनाऊंगी। One hour later. अभी फिलहाल सारा का सारा मेरा काम फिनिश हो गया है और 2 बज गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि पूरी टेरेस की क्लीनिंग की, फिर वहां से ऊपर से झाड़ू पोछा लगाते लगाते बेडरूम की क्लीनिंग की, ये वो, उसमें 2 बज गए। सुबह मॉर्निंग से ऐसे के ऐसे ही काम में हूँ, अब जाके थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। अभी भी लंच में ना मुझे छाछ बनानी बाकी है, बटर मिल्क बना के फ्रिज में रखनी है, वो सब किचन का काम तो फिनिश ही नहीं होता है, वो सब करना है। और हेमल थोड़ा गए हैं मार्केट में अपना काम फिनिश करने के लिए क्योंकि आज संडे है, सो वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर दोपहर के बाद तो पता नहीं, मार्केट क्लोज रहता है इसकी वजह से वो भी जल्दी जल्दी से काम फिनिश करने के लिए चले गए हैं। और वापस से धूप है हल्की हल्की सी, बस जल्दी जल्दी से वापस बारिश आ जाए और वो कहते हैं ना ठंडक हो जाए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कल रात को सडनली बारिश आई थी ना तो सब लोग हैप्पी हो गए थे और इतनी वो कहते हैं ना भगवान ने सरप्राइज दे दिया हो ना, बिल्कुल वैसा मौसम हो गया था। फिर पूरी रात वो थोड़ी 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 करके बारिश आ ही रही थी तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वापस से धूप 11 बजे के आसपास से निकली है, अभी तक धूप ही है। अब देखते हैं बारिश आज के दिन में आती है या नहीं आती है। A few moments later. चलिए खाने की प्लेट एकदम से रेडी हो गई है और रात तो इतनी ज्यादा लेट हो गया है एक तो खाने में, और गर्मी भी बहुत ज्यादा ही हो गई है। सबसे पहले तो देखिए मिक्स स्प्राउट की मैंने सब्जी बनाई है और इसके साथ है गरम गरम फुल्का रोटी, और राइस बना दिया है मैंने ताकि दाल ना बनानी पड़े तो आलू एड करके राइस बना दिया, और साथ में है यहाँ पे सलाद, और इस प्लेट के साथ है यहाँ पे लॉट्स ऑफ मक्खन वाला कर्ड और साथ में ठंडी ठंडी बटर मिल्क। चलिए अभी खाना खा लेते हैं और बाहर तो वापस अभी धूप बहुत ज्यादा है, आई थिंक और आई होप कि बारिश जल्दी जल्दी से हो जाए। सुबह कितनी बारिश आ रही थी तुम्हें मालूम था? नहीं नहीं मुझे पता ही नहीं होता है, आप ही सो जागते हैं, हम तो सोते ही रहते हैं इसलिए हमें नहीं पता होती है। पूरी रात बारिश आई है वो मुझे नहीं भाई दिया, मैं ना सुबह उठा था 5 मिनट फिर वापस सो गया। पूरी रात थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी और मॉर्निंग को तो बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही थी। मैंने ही जगाया कि बारिश आ रही है जल्दी कीजिए। क्या जल्दी कीजिए? वो विंडो ओपन था ना। अच्छा विंडो ओपन था, पूरा पानी अंदर आ रहा था इसलिए। चलिए खाना खा लेते अभी तो फिलहाल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और लंच करने के बाद ना ढेर सारा काम था तो सारा काम फिनिश करने में लग गए, उसमें टाइम का पता ही नहीं चला। 7:30 बज गए हैं और बाहर एक बूंद भी बारिश की नहीं आई, पूरा दिन चला गया बट बारिश आई नहीं। और अभी ना 7:30 बजे का टाइम है और बाहर उजाला कितना है, बहुत ज्यादा ही, और क्लाउड भी नहीं है, बिल्कुल क्लाउड नहीं है। और वहां में ना शोर शराबा ज्यादा होता है इसलिए अंदर के अच्छे है हम। क्लाउड भी चले गए और पता नहीं रात को बारिश आएगी कि नहीं आएगी, वेदर के हिसाब से अगर देखे ना तो उसमें तो घने घने बादल दिखा रहे हैं बट अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, देखेंगे अगर आएगी तो अच्छा है क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा तो अच्छा लगता है। वैसे भी जैसे ही बारिश रुकी ना तो अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी वो कहते हैं ना लेवल अप करने लगी है वापस से, उससे अच्छा है वापस बारिश आ जाए और वापस से मौसम अच्छा ठंडा सा हो जाए। चलिए तो आज तो वो कहते हैं ना पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल रहा था, मॉर्निंग से उठ के टेरेस की क्लीनिंग की ना उसी में पूरा दिन मेरा चला गया, इतना टाइम चला गया ना। एक एक गमले में मैंने प्लांट्स को भी वो कहते हैं ना नए नए छोटे छोटे प्लांट्स को मैंने ग्रो करने के लिए रखा है क्योंकि ये मॉनसून टाइम होता है ना उसमें प्लांट्स जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, सो आई होप कि वो भी अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी से ग्रो हो जाए। चलिए तो ब्लॉग को अब मैं यहीं पैन करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हाँ कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आपके सिटी में या आपके वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई है कि नहीं, क्योंकि पोरबंदर में कल फर्स्ट टाइम बारिश आई तो सब लोग खुश हो गए थे, तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि आपके वहां पे बारिश आई है कि नहीं। चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।